मरकुस रचित सुसमाचार पांचवां अध्याय। और वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा न दे, क्योंकि उसने उससे कहा था कि हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की कि हमें इस देश से बाहर न भेज। वहां पहाड़ पर सूरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें उन सोरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। तो उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सोरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाले पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए, और यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थीं, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माएं थीं और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया, और वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थीं उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु उसने उसे आज्ञा न दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिख पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंभा करते थे। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, और वह झील के किनारे था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांवों पर गिरा, और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लोहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी, यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लोहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हालचाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब
और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को लेकर भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कूमी, जिसका अर्थ यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए।